जंग लगने में ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। बर्तन घसते के काम में आने वाली लोहे की जाली लेते हैं, जाली को पानी में भिगो लेते हैं। गीली जाली को पॉलीथीन बैग में रख देते हैं। लंबी ट्यूब का एक सिरा पॉलीथीन बैग में डालकर बैग का मुंह सील कर देते हैं। ट्यूब का बाहरी सिरा भी सील कर लेते हैं। सील करने से पहले इस बात का ध्यान रहे कि बैग में भरपूर हवा रहे। बैग को रात भर के लिए सुरक्षित स्थान पर रख दें। अगले दिन लोहे की जाली पर जंग चढ़ जाती है। अब इस तरह से करते हैं। ट्यूब का मुंह खोलकर गिलास में रखते हैं और बैग को दबाते हैं। बैग की हवा गिलास में आ जाती है। गिलास का मुंह पानी में रखते हुए ही कार्ड से बंद कर देते हैं। गिलास को बाहर निकाल लेते हैं। अब एक जैसी दो मोमबत्तियां जलाकर एक को बैग की हवा वाले ग्लास से और दूसरी को ताजी हवा वाले ग्लास से ढांक देते हैं। बैग की हवा में मोमबत्ती तुरंत बुझ जाती है। बैग में बंद हवा की ऑक्सीजन जंग लगने में इस्तेमाल हो जाती है, इसलिए उसमें मोमबत्ती तुरंत बुझ जाती है। नम वातावरण में लोहा और ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया में आयरन ऑक्साइड बनती है। इस क्रिया को ही जंग लगना कहते हैं, लोहे की जंग यानी आयरन ऑक्साइड। गौर करें, दहन और जंग लगना एक जैसी ही रासायनिक क्रिया यानी ऑक्सीकरण है। दहन में ऑक्सीजन कार्बन के साथ क्रिया करती है और जंग लगने में लोहे के साथ। यह वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें। विज्ञान प्रयोगों के ढेरों वीडियोस के लिए YouTube चैनल साइंस विद सुरेश अग्रवाल सब्सक्राइब करें। घंटी का बटन भी दबा दें ताकि हर नए वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे।